चली। चांगू मांगू? हाँ। तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? कैसे खड़े मतलब? हाँ, कोई बात हो गई क्या? सब कुछ तो लूट गया, ये पूछ रही है कोई बात हो गई? बात हो गई। लूट गया? तुम लोग तो पूरे घर को सर पे उठा के रख लेते हो। आज तुम लोगों का ही मुंह लटका हुआ है। क्योंकि पिताजी ने कुछ और लटका दिया है इसलिए। क्या? बिल्कुल सही बोले भैया। कुछ और लटका दिया है? क्या लटका दिया? गले में हड्डी। गले में रात भर बैठ के आवाजें सुन सुन के हमको नींद नहीं आ रही है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मतलब बेड की टूट गया क्या? बेड टूट नहीं गया पिताजी, उसको किसी से शादी कर लाए। हाँ? रात भर बेड की चर होती रही है, हम सोए नहीं पाए, हमारी आंख सूज गई। हम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है इस उम्र में। उनको ये भी समझ में नहीं आता कि शादी करने की उम्र हमारी थी और वो अपनी शादी कर लाए पता नहीं किस जाहिल औरत से। अबे चुप करो दोनों, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? कहाँ शादी कर लाए तुम्हारे पिताजी, और अपने पिताजी के बारे में ऐसी बातें बोलने शर्म नहीं आती? नहीं आती है? क्योंकि वो तो करके आए, हम तो बोल रहे हैं केवल। हाँ? अभी हुई नहीं, हम रड़ुआ हैं। कितने अच्छे हैं साहब जी, तो बहुत अच्छे हैं हमारे। अच्छे है? और क्या, अभी उनके पास तुम गई नहीं हो ना अकेली, इसलिए कह रही हो अच्छे अच्छे। रात को उनके कारनामे देख लेती ना तो तुम्हें नींद नहीं आती पूरी रात। अबे तुम लोग चुप रहो, अपने बाप के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो। और अच्छी बात है, अगर कर भी लाए तो उन्हें तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र के लिए अगर शादी कर ली तो इसमें बुरी बात कौन सी है? बुरी बात कोई, तुम्हारे सर पे से माँ का साया उड़ो, तुम्हारे लिए माँ ले आए। माँ नहीं लाए, एलिफ्लेंडो लाए। हाँ? नई लड़की है 20-22 साल की, हमें तो माँ, उसको माँ कहने में भी शर्म आ रही है। बिल्कुल बहन जैसी लगती है वो। इसका मतलब नई मालकिन आ गई घर में। हाँ? क्या कह रही? चलो बढ़िया है, वैसे भी मैं भी बहुत पूरा दिन काम करते करते बोर हो जाती थी। चलो ठीक है, जो भी है अच्छी बात है, घर में नई मालकिन आई, मम्मी आई है आपकी, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे। क्या? कल तक तो तुम्हारे पिताजी का रॉकेट सीला हुआ था, अचानक उसमें से आग कहाँ से लग गई? बात की बात कर रही हो, जाओ अपना काम करो। काम करो अपना। कैसी कैसी बातें करती रही थी, क्या हो गया? शर्म नहीं आ रही हमारे बाप के बारे में ऐसी बातें कर रही है? अरे यार, अरे जय। हाँ, एक तो ऊपर से इस नौकरानी ने दिमाग खराब कर रखा है, बहुत ऊपर से दूसरी और आ गई। अब लोग वक्त हमारी हंसी उड़ाएंगे, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बिल्कुल नहीं है कि तेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। बताओ, बुढ़ापे में उनके सोले भड़क रहे, अब तो राम जाने क्या होगा। प्रभु, कुछ नहीं होगा, बस बात करनी पड़ेगी हमें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया आ जाए हमारा। मॉल घूमने चलते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुझे लगता है सर कहीं घूमने जा रहे हैं आप। हाँ, सुबह सुबह तैयार होके। अरे साहब, ये कौन है? ये लक्ष्मी तुम्हारी नई मालकिन है। अच्छा, ये कौन है? ये हमारे यहाँ की लक्ष्मी है, बहुत पुरानी जमाने से काम कर रही है, बहुत वक्त से जी। हाँ, और ये हमारे घरेलू फैमिली है जी जी। हाँ, हमने कभी इसको नौकर नहीं समझा। बहुत अच्छी। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। और ऐसा है, तुम बच्चों को नाश्ता वाश्ता बनाओ, हम जरा घूम के आते हैं। जी जी। हाय रे दैया, रे दैया, हमारी मालकिन कितनी अच्छी थी। बताओ, मालिक को मैं तो ऐसे समझती नहीं थी, बच्चों की उम्र है शादी करने की, अपनी शादी कर लाए। चलो शादी तक तो ठीक है, लेकिन अपनी कम उम्र की लड़की से, तो बच्ची सी लग रही है इनके आगे। हे देवा, रे देवा, कितना कलयुग आ गया है। मालकिन, मालकिन की आत्मा को शांति देना भगवान। कहाँ चल दिए सुबह सुबह? क्यों? अब हम आपसे ये भी नहीं पूछ सकते कि आप जा कर रहे हैं। अरे पूछ सकते हो तो तुम तो टुन में बात कर रहे हो भाई। नहीं नहीं, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं तैयार होके। हम कहीं भी जाएं, हमें शर्म आनी चाहिए। क्या कौन सा बुरा काम कर दिया है हमने? अच्छा भी नहीं किया तो है? कौन सा बुरा काम कर दिया? हाँ, बहुत अच्छा काम कर दिया, शकल दिखाने लायक नहीं छोड़े हम कॉलेज में। नाक कटा दी हमारी तुमने। क्यों, कहीं भगा के लाया हूँ मैं? अरे मैंने भामरे डाली है, शादी करके लाया हूँ। हाँ। तुम्हारी इज्जत बना दी, तुम्हारी लिए अम्मा
ले आया अम्मा के अम्मा अम्मा ना देखी तुमने, मैंने कहा चलो अम्मा दिखा दो। ये हमारी माँ बनने लायक है, उम्र देखना और अपनी उम्र देखना। क्यों क्या उम्र है मेरी? अरे तुम्हारे पैर कमर में लटके हुए, तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। सर तुम ऐसा ऐसा नौकरानी खाना वाना बना के दे देगी, समझे? लक्ष्मी समझा क्या? और हमारी उम्र थी शादी करने की, आपको ये सोचना था कि हम दोनों बेटे आपके इतने समझदार हो गए, शादी होने लायक। हमारी उम्र निखट्टू नाम, अभी कहीं काम धंधे पे लगे, पढ़ा दिया लिखा दिया, ना कोई नौकरी है ना कोई काम है ना कोई कारोबार है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास इसका मतलब कर दूं तुम्हारी शादी, उसे भी मैं खिलाऊंगा फिर उसे भी। तुम मतलब हमारी शादी की नहीं पड़ी हुई, तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है। अरे तुम्हारी सेहत के लिए तो करी मैंने, ऊपर से रात भर इतनी आवाजें सुन सुन के मेरे को तो इतनी शर्म आ रही है ना बाप कहने में। मैं तो ये समझ रहा हूँ नींद आ रही है मुझे, अभी बस सोया नहीं हूँ रात भर। मान जा मान जा, ये बिल्कुल तुमने गंद फना फैला रहे हो, तो फैला रहे आप फैला रहे हो नहीं बहू ऐसे, और इतनी अजीब गरीब बात करने की तहजीब है ये बात करने की, तभी आई इतना पता से हमें इस मोहल्ले में कोई बैठा लेना भी नहीं अपने पास ऐसे बाप को देख करके। और हाँ पिताजी, आपने हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया, मानो मैं हमारी शादी करने की उम्र, हम लड़कियों को देखते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और ये मुझे सोने नहीं देता रात रात भर, मेरे भी कुछ सोले भड़क जाते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों का काम धंधे की जुगाड़ करता हूँ और तुम्हारा कारोबार सेट करता हूँ, तुम्हारी शादी करता हूँ, समझे? मगर नीच पना मत करो घर में बिल्कुल भी, गंद पना मत फैलाओ, गंद हम फैला रहे हैं। हाँ चाहे कुछ बकरे लगते हो, अरे कम से कम ये तो सोच लो कि तुम पिता से बात कर रहे हो अपने, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम? और ये तुम्हारी माता जी है, उनके लिए तुम बात कर रहे हो। माता जी अभी ना माता जी कहना पड़ेगा, ये तुम्हारी माता जी है, सोच समझ के बोला करो, समझे? आरती उतारूं? आरती उतारूं? आरती नहीं उतरी ना घर में, प्रवेश नहीं हुआ तुम जब लौट के आओगे। चलो 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 चलो। आपके बच्चे तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? नहीं नहीं सुनिए, आप बच्चों से क्यों लड़ रहे हो? ये बच्चे नादान है, अभी इनके भी कुछ अरमान है, इनके भी कुछ खर्चे, ये शादी लाख हो रहे हैं, कहना रहे शादी लाख है, हमारी शादी करनी चाहिए, तो उनकी सही बात है ना, वो शादी लाख बच्चे कहाँ से है ये है, काम नहीं धंधे नहीं कारोबार नहीं है ना, ठीक है कितने भी बड़े हो लेकिन शादी लायक तो हो गए है ना। आप ऐसा करिए, अब दोनों नाराज हो रहे हैं, थोड़ा इनको खर्चा पानी दे दीजिए। ठीक है, खर्चा पानी ये लो, ये लो, चलो जाओ ऐश करना। आप भी जाइए, आप जाइए, चलिए चलिए। माता जी से तमीज से बात करो, कल की माता जी, माता जी लग रही है ये पूरी। बेटो कहाँ जा रहा है? क्या है मेरी बात सुन, हमारी माता जी तो बेकार थी बिल्कुल, जब हम छोटे थे तो हमको 5-5 रुपए भी मांगने पे मार पड़ती थी, और लेकिन इनसे तो पहली बार की मुलाकात में ही 500 मिले, 500 मिले। भाई रो क्यों रहा है? गांधी जी मिले वो इतने बाद क्या है, और ऐसे हमारी चुपके चुपके बातें क्यों सुन रही हो तुम? ए चुन्नू, मैं तुझे ये तुम लोगों को ये बताने आई थी, नाश्ता रेडी है तो खा लेंगे ना, एहसान में क्यों बोल रही हो? नाश्ता रेडी है, तुम्हारा काम है नाश्ता बनाना, तो बनाए हम खा लेंगे जब हमारा मन होगा। और क्या, और तुमने लगा दिया नाश्ता? नाश्ता हाँ हाँ लगा दिया नाश्ता, कल तक तुम लोगों की आवाज नहीं निकलती थी, आज तुम लोग शेर कैसे बन गए? नहीं मम्मी के आने से हमारी नहीं माता जी है, वो उनको चरण स्पर्श करते हैं उनके, और तुम भी उनके पैर छूके पानी पिया दोगे, बहुत पवित्र हो जाएगी तुम्हारी। आप अपना काम करो, जाओ मेरा कमरा गंदा पड़ा है उसको साफ कर देना। मैं भेजो है ना, सुनो रूम में जा तो रही हो, कपड़े पड़े हैं कपड़े धो देना। अच्छा दोनों के दोनों चुप करो हुँ? और सुनो मैं तुम लोगों के कपड़े भी साफ करती हूँ रूम भी साफ करती हूँ, लेकिन तुम लोगों के कपड़े धोने का मन नहीं करता मेरा। क्यों कैसा क्यों? पैसे नहीं लेती तुम? ओहो पैसे नहीं लेती तो क्या आसान में घर का काम नहीं करती मैं? अरे तो कपड़े भी तो तुम ही धोगी ना, मुझे तो शर्म आ रही है तुम लोगों की। अब धोगी क्यों नहीं हमारे कपड़े? अरे भाई क्या निकलता है तुम लोगों के कपड़े में से, चिपकन चिपकन सा, छी इन्हीं हाथों से तुम्हें खाना बना के खिलाना पड़ता है। दैया रे दैया, हाँ ये लोग कहाँ गए? मुझे पता है जरूर तुम लोग कुछ गंद फैला रहे हो। विजय विजय जी, बेटे क्या कर रहे थे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, स्टडी कर रहा था, बताइए। अच्छा और तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बेस्ट। अच्छा और तुमने खाना खा लिया? हाँ खाना पीना खा लिया। चैनल कैसे खोल रखी है तुमने? अरे नहीं वो तो ऐसे है, गर्मी लग रही थी ना तो रूम में था इसलिए तो खोल ली। कुछ काम था क्या आपको? हाँ काम था, मैं देखने आई थी तुम क्या कर रहे हो। हाँ बताइए। देखो बेटे तुम अपने पापा को इतना उल्टा सीधा मत बोला करो, तुम्हारे पापा ना बहुत अच्छे हैं, जरा उनकी बात समझा करो।
अब ये हमें समझाएंगी कि हमें अपने पापा से कैसे बोलना चाहिए। दो दिन से आप आई हो इस घर में, आप हमें सिखाएंगी कि हमें अपने बाप से कैसे बोलना चाहिए और कैसे नहीं। वो तो एक हमारी समझाने का काम है, समझो अपने पापा को। प्लीज ये समझाने का नाटक हमारे सामने ना ही करें तो अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है। बेटे आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? हाथ दूर करके बात कीजिए। जो आप चाहती हैं ना वो कभी जीवन में नहीं हो सकता। आप चाहती हैं ना इस घर में राज करना, वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। आपको शर्म नहीं आई अपनी से ज्यादा उम्र के आदमी से शादी करने में? मैंने तो उनका घर बनाया है, घर बिगड़ा हुआ घर बनाया है। आपको हाँ। तो ये सोचना चाहिए था कि दूसरे बच्चों की जिंदगी क्यों खराब करें। हमारी शादी करने की उम्र थी, आपको तो ये, हम किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम उनके बेटे हैं, क्योंकि वो आपके साथ घूमते हैं। वो लोग हमसे कमेंटबाजी करते हैं कि तुम्हारे पिताजी एक नई लड़की के साथ घूम रहे थे। बाहर के लोगों से तुम्हें क्या करना? क्यों, बाहर के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। अगर बाहर के लोगों की नहीं सुनेंगे, बाहर के लोगों को नहीं देखेंगे तो हम अपना जीवन कैसे जिएंगे? अपने जीवन को नहीं देख रहे हो, बाहर के लोगों का जीवन देख रहे हो कि वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलने से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है विजय, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं सही बातें कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि आपने पिताजी से शादी क्यों की, क्योंकि आप एक नंबर की लालची औरत हो। विजय ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ऐसा है, यहाँ से जाइए प्लीज, गेट आउट। और मेरे रूम में आज के बाद बिना नॉक करे आप एंटर नहीं करोगे, ठीक है ना? प्लीज, ये सिखाएंगे हमें कल की आई हुई कि हमें अपने डैडी से कैसे बात करनी है कैसे नहीं। लगता है इन बच्चों की माँ नहीं है, इनकी माँ गुजर गई है ना, शायद इसलिए इनका दिमाग चिड़चिड़ापन हो गया है, इसलिए सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं, मैं एक ना एक दिन इनकी अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी, तब इनको यकीन होगा। जय जय बेटा। कौन है? क्या कर रहे थे बेटे? कुछ नहीं कर रहा था, बाल काट रहा था। और आप मतलब विदाउट परमिशन के अंदर? मैं तुमको देखने आई थी। क्यों देखने आई हो? देखो जय, तुम इतना पढ़ाई करते रहते, तुम्हारे लिए कुछ कॉफी वॉफी बना कर लाऊं मैं? एक बात सुन लो मेरी, ये हमदर्दी मुझे मत सुनो, ठीक है? और ना ही मुझे ये बताने की कोशिश करो कि तुम मेरी जो पहली माँ थी उनकी जगह तुम ले सकती हो। जो मेरी माँ थी वो थी, तुम नहीं हो। और मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे पिताजी से किस लिए शादी की है। जैस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? बात मैं किसी भी तरीके से कर रहा हूँ, वो मुझे पता है ना। और आए अंदर, अगर आज के बाद अगर बिना परमिशन के आप अगर अंदर आई तो फिर देख लेना, बहुत बुरा होगा। जय बेटा देखो ऐसे नहीं बोलते, मैं आखिर को तुम्हारी माँ हूँ। अरे माँ मेरी थी, अब नहीं है, और तुम मेरी माँ नहीं हो, ठीक है? तुमने मेरे पिताजी के पैसे और शोहरत देख करके शादी की है। जय ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। ऐसा है, ज्यादा मैं जबान लड़ाता नहीं हूँ किसी से, ना ही मैं ज्यादा बोलना पसंद करता हूँ, ठीक है? अच्छा होगा आपके लिए कि आप यहाँ से चली जाइए। क्या फायदा कि फिर मैं पिताजी को बोल करके और तुम्हें मतलब यहाँ से निकल पाऊँ, ठीक है? जाइए आप, पता नहीं कहाँ कहाँ से परमिशन आ जाते हैं। सारा काम हो गया, बस दूध चढ़ा के गैस पे मैं घर जल्दी निकल जाऊंगा। अरे लक्ष्मी क्या कर रही हो? अरे मालकिन आप? हाँ मैं मालकिन कुछ नहीं कर रही, बस दूध गर्म करना था। बाकी तो सारा काम कर दिया मैंने, घर का सारा काम हो गया। हाँ चलो ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? हाँ मुझसे क्या बात करनी थी? आपके साहब कह रहे थे ना उस दिन के आप तो बहुत दिनों से यहाँ पे काम कर रही हो। हाँ ये तो है, बहुत समय से काम कर रही हूँ, तो तुम्हें बच्चों के बारे में भी पता होगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। वो बच्चों के बारे में? चंगू मंगू के बारे में। चंगू मंगू? ये चंगू मंगू कौन है? अरे मालकिन वो जय और विजय, उनसे मैं चंगू मंगू ही बोलती हूँ। ओह वो है ही इतने प्यारे इसलिए। अच्छा अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी वो इतना इतना हाईफार क्यों रहते हैं, इतना चिचड़े क्यों रहते हैं? आपसे कुछ कहा क्या? नहीं वैसे तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उनके रूम में उन्हें देखने गई कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो मतलब उस तरीके से बात करनी चाहिए, उस तरीके से उन्होंने बात नहीं की मुझसे। अमाल के नाम तो जानते हैं, देखिए कि जो माँ का प्यार माँ दे सकती है वो बाप नहीं दे सकता, और जो बाप का प्यार बाप दे सकता है वो माँ नहीं दे सकती। हाँ ये तो है, है कि नहीं? तो ये समझ लो कि ये मालकिन, हमारी मालकिन बहुत अच्छी थी, बहुत, उनसे अच्छी औरत तो शायद मैंने इस दुनिया में
कभी देखने को मिले और ना कभी मैंने शायद देखी। देवी थी, मंदिर में एक देवी नहीं होती, बिल्कुल देवी की मूर्त थी वो, बहुत अच्छी थी। ये चंगू मंगू जब 10-12 साल के थे ना, तब मालकिन को कैंसर हो गया था। कैंसर हो गया था? हाँ, तो मालकिन की डेथ हो गई। मालकिन ही मुझे इस घर में लेके आई थी, और मालकिन ने कभी मुझसे ये कहा ही नहीं कि तुम काम करने आती हो, काम वाली हो, नौकरानी हो, नहीं। मुझे कभी भी कोई भी परेशानी हुई, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई या फिर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी, हमेशा मालकिन ने मेरा साथ दिया, हमेशा। और वैसे एक बात बताऊँ मालकिन, इस घर में एक औरत की ज़रूरत थी। अच्छा। और हमारे मालिक है ना, वो भी बहुत उदास रहते थे, लेकिन अच्छा किया जो आप आ गए इस घर में, उनको माँ मिल गई और हमारे साहब को मालकिन, और मुझे मेरी भी मालकिन। लेकिन शायद मुझे लगता है उन बच्चों को उनकी माँ नहीं मिली। ऐसा नहीं है, चंगू मंगू को जहाँ तक मैं जानती हूँ वो दिल के बुरे नहीं है। कोई बात नहीं मालकिन, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी माँ तुम्हें अफेक्ट नहीं करेंगे। माँ आपको एक दिन ज़रूर, आपको ही अपनी माँ मानेंगे वो। अच्छा, पर मैं एक आइडिया दे सकती हूँ आपको। क्या? उनको ना गाजर का हलवा बहुत पसंद है दोनों को। हाँ। गाजर का हलवा के जब बनता है ना किचन में, तो खुशबू सूंघे वो किचन के आसपास ही, कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा। अच्छा, एक बार तो मेम साहब मुंह जला लिया था चंगू ने। लड़ जाते एक दूसरे के ऊपर। आप ना गाजर का हलवा बनाइए उनके लिए। ठीक है, बना तो लेती हो ना? हाँ, बना लेती हूँ। तो आप अपने हाथों से खिलाना। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी करके देखती हूँ। लक्ष्मी, वो मेरे हाथ से तो खाएंगे नहीं। एक काम करती हूँ, हलवा मैं बनाती हूँ लेकिन खिलाना तुम। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ क्यों ना दोनों बच्चे खुश रहे। क्यों ना आज ही स्टार्ट कर दे इस काम को, क्यों नहीं? हाँ ठीक है, तो करते। लक्ष्मी जाओ, तुम बच्चों के रूम में जाके और ये हलवा दे आओ। आ मालकिन, खुशबू देख के तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं ही खा जाऊं सारे को। चलो, मैं आपके हाथ का खाऊंगी जरूर। पहले बच्चों को देखो फिर तुम खाना। ठीक है, जाओ। ओके, मैं अभी आती हूँ, है ना? ठीक है, ठीक। अरे चंगू, ए चंगू। हाँ लक्ष्मी, बताओ। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। हलवा? हाँ। तुमने बनाया? हाँ, टेस्ट करके तो देख कैसा है। मुझे तो नहीं लगता है कि तुमने बनाया है, मार्केट का हलवा है, और तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। पहले खा के खा, पहले देख कैसा लगता है। बहुत अच्छा है। सच्ची? मुच्ची। कितना अच्छा लगा? हाँ, काफी अच्छा। ये जिसने भी ये बनाया ना, बड़े प्यार से। मतलब किसने बनाया? और इतनी उम्मीदों से बनाया है कि तुम्हें अच्छा लगे। ये अच्छा तो लग रहा है, बट ये तुमने तो बनाया नहीं है। मुझे पता है ये तुम कहीं बाहर से मंगा कर और इसमें लाकर और हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा चल तू खा। खा तो मैं रहा हूँ, पहले बताओ तो सही कहाँ से लाई हो? ये तुम्हारी माँ ने बनाया है। ये पकड़ो इस हलवे को। ये तुमने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी। मालूम है मैं तुम्हें कितना मानता था। मैं जब भी देखता था ना मेरी माँ मरने के बाद, मैंने तुम्हें देखा, लेकिन आज तुमने ये सब करके मेरा बहुत दिल दुखाया है। चंगू, तुझे कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी नहीं, बहुत प्यार से बनाया है वो। तुम लोगों से इतना प्यार करती है, मुझे पता है। लेकिन बहुत प्यार करती है तुम लोग। कुछ प्यार नहीं करती वो, केवल हमारी दौलत को हथियाने के लिए आई है। वो केवल नाटक कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। तुम लोग आज के जमाने के बच्चे हो गए, तुम ऐसी बातें करते हो। हम ऐसी बातें नहीं करते। हमें दुख होता है जब कोई अपना हमें उसको माँ कहने के लिए कहता है, क्योंकि वो हमारी माँ कहने लायक ही नहीं है। उसकी उम्र में और हमारी उम्र में फर्क देखा है तुमने? उम्र, प्यार, उम्र, ऊंच नीच, जात कभी नहीं देखता चंगू, समझ में आ गई ना? ऐसा है लक्ष्मी, बस ये आज तो तुमने कर दिया। क्या कभी उसने सोचा कि तुम्हें बेटा कहते हुए शर्म आएगी उसे? लेकिन वो तुम्हें अभी भी अपना बच्चे मानती है। मैं ये सब नहीं जानता। आज तो तुमने ये सब किया लक्ष्मी, आगे से ये सब कुछ मत करना, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें भी अपने दिल से निकाल दूं। जिस रिश्ते से मैं तुम्हें देखता हूं उस रिश्ते को मैं भूल जाऊं। कहीं ऐसा ना हो ये भी नाराज हो जाए, पर मुझे वो नहीं लगता। मंगू ऐसा नहीं लगता। मंगू क्या कर रहा था? अरे लक्ष्मी कुछ नहीं, बाल वगैरह अपने कर रहा था। अरे हलवा किसने बनाया?
खाके तो बता कैसा है। जरूर खाऊंगा, फेवरेट है तो खाऊंगा क्यों नहीं। पर ये जल्दी बता कि किसने बनाया, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ का स्वाद है, कहीं तूने तो नहीं बनाया। मुझे पता है तूने बनाया होगा, है ना। नहीं खा तो सही, तो कैसा है। अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि तूने बनाया है, क्योंकि मैं बताऊँ, मैंने जब तेरे हाथ का खाना खाता आ रहा हूँ, हलवा भी तू बनाती है, सब मुझे याद है तेरे हाथ का टेस्ट कैसा है। पर क्यों, इतनी अच्छी चीज मैं नहीं बना सकती रे। पर बनाया किसने, अब ये तो बता दे। वैसे अच्छा लगा ना। अच्छा लगा बहुत ज्यादा, एकदम माँ जैसे जैसे मालकिन बनाती थी फील आ गई। किसने बनाया ये? जो ये तुम्हारी नई माँ है, उन्होंने बनाया ये, मालकिन ने। क्या बेहूदी बातें कर रही हो, और तुमने ये मुझे खिला दिया। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने उसके हाथ का हलवा मुझे खिलाने की कोशिश की और मुझे खिला भी दिया। हाँ, तुम्हें पता है मैं उससे कितनी नफरत करता हूं। लेकिन वो तुम लोगों से बहुत प्यार करती है मंगू। अरे बेशक प्यार करती है, पर हम तो नहीं करते ना उससे प्यार। और तुझे, तू भूल गई, तुझे पता नहीं है सब। हाँ, तू देख रही है कि उसने अगर मेरे पिताजी से अगर शादी की है और वो अगर मेरे घर में आई है तो मेरी दौलत देख करके आई है वो। मंगू ऐसी कोई बात ही नहीं है, अगर वो दौलत के लिए अगर शादी करनी होती तो इस दुनिया में बहुत से ऐसे लड़के हैं। लक्ष्मी, समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है, और वो कोई मतलब ऐसी वैसी नहीं है, उसे मैं जानता हूँ, बहुत चालाक और है वो लड़की। जैसा तुम लोग समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ भी हो, आज अंदर तूने मेरे को उसके हाथ की बनी हुई चीज तो खिला दी, पर आज के बाद अगर तूने थोड़ी सी भी कोई भी चीज उसकी मुझे खिलाई ना, तो मैं बोल रहा हूं कि जो तेरे मेरे बीच का रिश्ता है ना, कभी नहीं रहेगा, याद रखना। ठीक है, निकलिए यहां से। सारा मूड खराब कर दिया, मूड खराब कर दिया। छोटी मालकिन, साली एक नंबर चुगे। क्या हुआ, बच्चों ने हलवा खा लिया? खाया, और इतना बेइज्जत भी किया मेरे को। इतना बेइज्जत तुम्हें पैदा होने में नहीं हुई थी। सभा में आगे ना एक नंबर के साले कुत्ते, ऐसे लगते ऐसे अन्न का अपमान कर रहे थे हैं? उन्हें कुछ नहीं, उन्हें प्यार तो रास आता ही नहीं है। वो उनको सालों के जूते की खबर लेनी चाहिए सुबह शाम तक, तभी उन लोगों की अकल ठिकाने में आएगी। तब वो लोग मुझसे 10 बार कहते, तब एक बार में नाश्ता रेडी करके देती है मैं। लक्ष्मी हुआ क्या, कुछ बताओगी भी? अरे हुआ क्या मैम साहब, कितने प्यार से हलवा बनाया था आपने और मैं लेके गई थी, तो साले कुत्ते एक नंबर के, उन्हें कुछ नहीं। वो ना कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है। इसका मतलब सालों का पेट में दर्द हो जाए, मैं तो कह रही हूँ। इसका मतलब उन लोगों ने हलवा नहीं खाया? हलवा खाया, और दो दो तीन तीन चम्मच खाया, और दोनों ने खाया। तो फिर, लेकिन जैसे ही मैंने आपका नाम लिया ना, सालों ने फेंक दिया हलवा, फेंका। और मुझसे और वो मंगू जी निकलो। साले मैं तुम्हें खाना बना के देती हूँ, और मुझसे निकलो। मैं तभी कह रही थी, मैंने सही बोलती हूँ मालकिन, कुत्ते को घी कभी हजम ही नहीं होता। मैं कह रही हूँ ना मालकिन, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये लोग गलत संगत में रहने लगे। ऐसा कुछ नहीं है लक्ष्मी, एक दिन वो आएगा, यही लोग मुझे माँ कह के बोलेंगे, देखना तुम। ठीक है, तो 16 सोमवार जाओ, लोटा ढार के आओ। लक्ष्मी सुनिए जी, कहाँ पर हो आप? क्या कर रहे थे? मैं थोड़ा काम कर रहा था। अच्छा, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। बच्चों के बारे में। हाँ बोलो बोलो, बच्चों के बारे में। देखिए आप बच्चों से जरा ना प्यार से बात किया करिए। नहीं, ये बताओ क्या प्यार से बात करूँ, कैसे प्यार से बात करूँ, क्या कमी है उनके लिए? उनके खाने में कोई परेशानी नहीं है, उनके पीने में कोई परेशानी नहीं है, उनकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। उनके पास बताओ क्या, किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ पैसा देता हूँ, तुमने पैसे दिलवाए उस दिन, पैसे दिए मैंने, ठीक है, और वैसे उन्हें सारे ऐशो आराम दे रहा हूँ, पढ़ा लिखा दिए। देखो सुधा, उनके पास दौलत शोहरत इज्जत मुकाम क्या चाहिए, सब कुछ तो है, उन्हें सब कुछ तो दे रखा है, कौन सी सहूलत नहीं दे रखी मैंने उन्हें, बताओ तुम। देखिए, और तुम भी सुधा मुझ पर नाराज होती हो, मतलब कि तुम उनका ख्याल रखो, क्या ख्याल रखूं बताओ, बताओ क्या ख्याल रखूं? दौलत शोहरत ही सब कुछ नहीं होता, बच्चों के लिए प्यार भी बहुत जरूरी होता है,
और छोटे से पन में उनकी माँ गुजर गई, उनको प्यार मिला ही कहाँ है। और आप भी इस तरीके से बात करते हो तो बच्चे चिचड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? पता है कितना चिचड़ापन भरा हुआ उन लोगों में। सुधा तुम ठीक कह रही हो, मुझे बदलना होगा थोड़ा। मैं इसीलिए आपसे बोल रही हूँ, बच्चों से प्यार से बात करो, देखो फिर तुमसे कितना अच्छी तरह बात करते हैं, फिर मुझसे भी करेंगे। सुधा तुम ठीक कह रही हो, उनको ऐसा लगता है जैसे उनकी माँ के मरने में मेरा हाथ रहा है, समझे? और ये तो जानते नहीं है कि भगवान की सब वो होती है लीला, मेरे हाथ की बात तो है नहीं, समझे? मैंने तो उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि आप उसने प्यार से बात ही नहीं करते। ये तुम सही कह रही हो सुधा। एक बार आप बच्चों से प्यार से बात करके तो देखो। नहीं सुधा तुम ठीक कह रही हो, मैं जरूर करूंगा उनसे, और उन्हें तुम अपनी उन्हें माँ का प्यार दो, सुनो, और वो बदलेंगे, और जरूर बदलेंगे सुधा। और उन पर थोड़ा सा तुम ध्यान दो, मैं नहीं दे पाया हूँ, ये मेरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है सुधा, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा और अब मैं बच्चों पे ध्यान दूंगा। आप ठीक कहती हो, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और आप प्यार की बातें करते हैं, आपने हमें बचपन से दिया ही क्या है? बेटा मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मगर अब इस बात को बेटा ख़त्म कर दो। क्या ख़त्म कर दूँ पिताजी? आपको ये सोचना चाहिए था, हमें कभी प्यार से हमें ये बोला कि बेटे तुम कैसे हो? नहीं बेटा मुझे एहसास है। एहसास है? आपको एहसास ही होता ना, आप उसके बावजूद भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। एक नई लड़की को आपने हमारी माँ बनाकर लाकर इस घर में बहुत बड़ी गलती की है पिताजी। जो तुम्हारी नई माँ है सुधा, बहुत अच्छी है, तुम मेरी बात को मानो, मैं कुछ सोच समझ कर करके लाया हूँ। मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम्हारी माँ को किसी तरह से वापस ला सकूँ, समझे? इसलिए मैंने सुधा से शादी की, सिर्फ तुम्हारी माँ की पूर्ति करने के लिए। नहीं पिताजी, तुमने मुझे समझा, हमारी माँ के लिए ये सब नहीं किया, ये आपने अपनी इच्छाओं के लिए किया। और आपने हमें क्या दिया सिवाय दौलत के? कभी आपने हमारे पास आते हमसे ये पूछते, बेटे तुम कैसे हो कैसे नहीं हो? हम दोनों भाइयों को 10-10, 12 साल के थे हम जब से आप छोड़कर चले जाते थे, सिवाय आपने पैसे कमाने के अलावा जीवन में कुछ नहीं किया। और प्लीज पिताजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, रही बात हमारी माँ की, वो माँ का प्यार शायद हमने अपनी माँ को ढंग से देखा या हो या ना देखा हो, लेकिन लक्ष्मी में हमें अपनी माँ दिखती है, जितना उसने प्यार दिया शायद हमारी माँ भी ना दे पाती। तो प्लीज पिताजी आप यहाँ से चले जाइए, उसी में भलाई है। तुम अपने पिता को बहुत गलत समझ रहे हो, पछताओगे एक दिन, समझे? वो भी देखा जाएगा, प्लीज जाइए। ठीक है विजय, मैं तो जा रहा हूँ, मगर अपना ख्याल रखना। हमें सहूलियत देते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं ना। बेटा जय जय, आइए पिताजी आइए। कहाँ है भाई, बहुत दिन से नहीं दिख रहा, कहाँ रहता है? मैं तो यहीं रहता हूँ पिताजी, अपने कमरे में। शायद है कि काफी सालों बाद आपके पैर इस कमरे में पड़े हैं। क्या बात है, कोई मुझे बहलाने फुसलाने आए या फिर अब दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हो? तू भी उसी बड़े भाई की तरह बात कर रहा है? मैं बड़े भाई की तरह बात नहीं कर रहा, मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा है। अभी विजय ने दिमाग खराब किया था, अब तू करेगा दिमाग खराब। शर्मिंदगी मुझे तुम्हारी वजह से महसूस होती है पिताजी, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाता तुम्हारी वजह से। तुम दोनों को मैंने क्या परेशानी दी है यार, ये तो बताओ, दौलत शौहरत इज्जत मुकाम क्या नहीं है तुम्हारे पास? बस इसके अलावा आपने दिया ही क्या है पिताजी? हाँ दौलत शौहरत, कभी आपने प्यार से अपने बेटे को कभी बैठा के कुछ पूछा कि बेटा कैसे हो? हाँ तुम्हें पूछता ना तो आज तुम भीख मांग रहे होते, भीख भीख भी नहीं मिलती। अरे पिताजी सारा पैसे के कुछ नहीं होता दुनिया में। कभी आपने अपने बच्चों से प्यार से बैठ के पूछा कि बच्चों कैसे हो? हाँ अरे हम जैसे जा रहे हैं स्कूल वैसे जा रहे हैं, वो तो शुक्र है लक्ष्मी का कि उसने हमें एक माँ जैसा पाला है, वरना आज हम कहीं फुटपाथ पर लेटे होते, कहीं घूम रहे होते, तर बदर भटक रहे होते। देख बेटा जय, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ, और तू मुझे और मत शर्मिंदा कर। पिताजी बस ये शर्मिंदगी वरविंदगी मेरे सामने मत कहिए, मैं देख चुका हूँ आपको, और ये मगरमच्छ वाले आंसू मेरे सामने मत दिखाइए आप। और बेटा मैंने जो दूसरी शादी की थी ना, सिर्फ तुम्हारी माँ की पूर्ति करने के लिए,
कि तुम्हें अपनी माँ की याद ना आए। मैंने सुधा से इसीलिए शादी नहीं की। पिताजी, मेरी पहली माँ की पूर्ति तो अगर वो सात जन्म भी ले लेगी ना, तब भी पूरा नहीं कर सकती। बेटा, सुधा बहुत अच्छी। अरे पिताजी, बस करिए, और अब आप जाइए। बेटा जय। पिताजी, आप मेरे इज्जत कर रहा हूं। देखो जय, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप जाइए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ, क्या कर रही थी? वो मैम सब साफ का कमरा साफ कर रही थी। अच्छा अच्छा, चलो वो तो ठीक है। और हाँ, कुछ वो वहाँ बर्तन रखे हो, उन्हें साफ कर देना, ठीक है? और कुछ मेरे जरा कपड़े हैं तो उन्हें भी कर देना। जी मैम साहब, बस मैं साफ का कमरा साफ हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। आवाज कैसी, इस तरीके की आवाज? अरे वो मंगू है मैम साहब। क्यों? वो हमेशा, उसके दर्द ऐसा होता है। कोई दर्द नहीं होता है? कोई नहीं, उसके रूम में ही है दवाई, वो ले लेगा। कमरे में लेगा, मतलब प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम, लेकिन अक्सर उसके ऐसा दर्द उठता है। तो टेस्ट वेस्ट नहीं कराया क्या? नहीं, कभी टेस्ट नहीं कराया कभी। टेस्ट नहीं कराया? लक्ष्मी, तुम मुझे उसके रूम में लेके चलो, मैं देखना चाहती हूँ। अरे मैम साहब, कोई फायदा नहीं उसके रूम में जाने, फिर बेइज्जत करके हमें घर, तुम्हारे साथ साथ मुझे और उसके चार लक्ष्मी बात जो भी हो, लेकिन तुम मुझे लेके चलो। चलो तुम इतना, चलो चलो। जय जय, क्या हुआ? छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। मंगू, क्या हुआ बताना, दर्द कहाँ हो रहा है तेरे? तेरी दवा कहाँ है? दवाई नहीं ली तूने? तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल, खत्म हो गई दवा। जल्दी चल, तेरे बहुत दिनों से ये दर्द उठता है, मेरे साथ चल। तुझे मेरी कसम, चल जय, चलो ना जय, चलो चल। देखो मामला बड़ा सीरियस है, जय की हालत बहुत खराब है, बस भगवान ही बचा सकता है उसको। डॉक्टर साहब ऐसे मत बोलिए। लक्ष्मी, तुम तो अच्छी तरह बताती कि दो तीन बार उसको दर्द उठा था, तो तुम मुझे आकर बता तो सकती थी ना। सक्सेना साहब ने बताया, और तुम तो सक्सेना साहब के यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हो। डॉक्टर साहब, अब मैं क्या करूँ, ये बच्चे किसी की सुनते भी तो नहीं है। अब जब भी दर्द होता है दवाई खा लेते हैं, लेकिन कभी आज तक मुझे ये नहीं, आज ज़्यादा तेज दर्द हुआ तो मैं आपके पास लेके आई। मैंने बोला था उनसे कि चल एक बार टेस्ट तो करा लें कि आखिर में दर्द ये होता क्यों है। लक्ष्मी, पता है उसको क्या हुआ है? उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। क्या? हाँ, क्या उसकी सीरियस, और वो ज्यादा दिन का मेहमान भी नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए। बचपन में ही माँ मालकिन चली गई हमारी, और अब मैं जानता हूँ कि उसकी माँ नहीं है, और सक्सेना साहब ने आपसे शादी की है। सक्सेना साहब भी यहाँ पर नहीं है, वो भी गए हुए हैं। देखो, आप लोग समझने की कोशिश करो, अगर जय को किडनी नहीं मिली ना, तो उस वो बचेगा नहीं। डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा उसे बचाने का। किसी भी मेडिसिन में ये कहा जाता है कि अगर एक किडनी हो तो इंसान की जान बच सकती है। सिर्फ अगर उसके एक किडनी हुई, एक किडनी का इंतजाम हो गया, तो वो बच सकता है, वरना ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आप तो भगवान का रूप है, और आप ये आप कैसे भी करिए, क्या करें? मैं कुछ नहीं कर सकता, बस कोई तो रास्ता होगा डॉक्टर साहब। देखिए, रास्ता वास्ता कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी बहुत सीरियस हालत है, अगर उसको किडनी का इंतजाम हुआ नहीं तो वो शायद इस दुनिया में रहेगा भी नहीं। ऐसा मत कहिए, हम कहीं से भी किसी भी तरीके से इंतजाम करेंगे। विजय। हाँ जी, बता। विजय, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया। मेरा एहसान? मैंने ऐसा क्या किया? अरे तूने तो वो उपकार किया एक भाई पे, जो कि आज के जमाने में कोई भाई अपने भाई के ऊपर कोई ऐसा उपकार नहीं करता। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? तुझे सही हुए कम से कम एक हफ्ता हो गया, और तू अब ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मैंने क्या कर दिया? अरे आज सही हूं तो वो तेरी वजह से ना। मेरी वजह से? अगर तू साथ नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं रहता। लेकिन जय, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि तू बात क्या कर रहा है। मुझे बात तो बता, बात क्या है? अरे विजय, इतना बोला बन रहा है तू? हाँ, मैं बोला बन रहा हूँ? अरे तुझे पता नहीं है, तूने मुझे किडनी दी है अपनी? मैंने नहीं,
नहीं जय, मैंने तुझे कोई किडनी नहीं दी और मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरी किडनी की प्रॉब्लम है। और हाँ, डॉक्टर अंकल ने यही नहीं बताया कि किडनी दी किस। अच्छा, हम तेरे साथ महीनों रहे लेकिन मैंने डॉक्टर अंकल से काफ़ी बार पूछने की भी कोशिश की कि डॉक्टर अंकल किडनी दी किसने, लेकिन उन्होंने कभी बताने की कोशिश नहीं की कि नहीं जिसने भी दी है तुम्हारे अपने ने दी है, बस इतना कह के उन्होंने बात ख़त्म कर दी। और हाँ अजय, मैंने तुझे कोई किडनी नहीं दी। जब तूने किडनी नहीं दी तो किडनी मुझे दी किसने है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ अजय, लक्ष्मी, क्योंकि वही हमें माँ की तरह प्यार करती थी। मुझे लगता है हमें लक्ष्मी से के पास जाना चाहिए। आओ चल जाए। लक्ष्मी। अरे आज तुम लोग इतने सीरियसली क्यों दिखाई दे रहे हो मुझे? क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा क्या तुम लोगों से? इतनी भोली मत बनो। भोली मत बनो? हाँ, हमें पता है कि चंगू, क्या बात है तुम लोग, क्या बात हो गई? बात यह है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई जिंदा है और तुम कहती हो बात क्या हो गई? अरे लक्ष्मी, मैं पता लग गया लक्ष्मी, किसको बचाने में केवल तुम हमारे साथ थी। और ये भी पता लग गया कि तुम ही ने अपनी किडनी जय को दी है। लक्ष्मी, मैं तुम्हारा ही एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं अगर हम तुम्हारे पैर धोकर भी पिए ना तो हम अपनी ज़िंदगी भी नौछावर करते, तो वो भी हमारे लिए कम होगा इस एहसान को चुकाने के लिए। चंगू और मंगू, अगर तुम्हें पैर ही धोके पीने हैं ना तो उस देवी के धोके पियो जिसने मंगू की जान बचाई है। मतलब तुमने इसे किडनी नहीं दी? मैंने किडनी नहीं दी, तुम्हारी नई माँ ने तुम्हें किडनी दी है, जिसे आज तुम लोग हमेशा गलत समझते आए। देखा, एक सगी माँ भी अपनी बच्चों के लिए नहीं करेगी जो एक सौतेली माँ होके उसने तुम्हारे लिए किया। मतलब और हमेशा तुम लोगों से गलत समझते आए। जिस औरत को आज तक हम भगाते रहे, दुत्कारते रहे, उसने आज मेरे भाई की जान बचाई है। बस उसमें और तुम्हारी माँ में यही तो फर्क है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया, उसने तुम्हें जन्म नहीं दिया। लेकिन जन्म देने वाली से कहीं ज्यादा पालने वाली का नाम ज्यादा होता है। उसने तुम्हें पाला भी नहीं, पाला तो मैंने तुम लोगों को। कैसे, हमेशा मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि जन्म देने वाली का दर्जा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन मंगू, तुझे तो आज उसने जन्म ही दिया है, दूसरा जन्म दिया है तुझे। एक जन्म वो था जो तेरी माँ ने तुझे दिया था और एक जन्म वो है जो आज तेरी नई माँ ने तुझे दिया है। लक्ष्मी, कहाँ है हमारी माँ? कहाँ है लक्ष्मी? वो मालकिन अपने रूम में, रोक सकते हो तो रोक लो, वो जा रही है आज। जा रही है? नहीं लक्ष्मी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। हे भगवान, हमेशा लोग कहते हैं कि सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती, लेकिन आज ये साबित कर दिया कि माँ चाहे सौतेली हो चाहे अपनी, माँ माई होती है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जय विजय, हमें जाने दो। नहीं पिताजी। बेटा, तुम भी मुझे माफ नहीं कर पाए और ये दौलत, ये शोहरत, ये घर सब हमने तुम्हारे नाम कर दिया है और अब हम सुधा को लेके जा रहे हैं, तुम्हारी माँ को। नहीं पिताजी, नहीं, हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा हमें मत दीजिए। जिस माँ को पहचानने में हमने गलती की, उस माँ ने आज मेरे भाई की जान बचाई, आज मेरे भाई को एक नया जन्म दिया। शायद ये नहीं होती कि भाई को नया जन्म नहीं मिलता। इस देवी जैसी माँ को पहचानने में हमसे इतनी बड़ी भूल हो जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। कभी हमें माफ कर दी। अरे बेटा, विजय क्या कर रहे हो ये? नहीं बेटा, पैरों में पड़े। मैंने तो सिर्फ एक माँ का फर्ज निभाया है। चला कि माँ माँ ही होती है, बेशक मेरी माँ नहीं है, तुमने मुझे माँ से भी ज्यादा माना है। आओ, आओ।